हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और हमारा यूट्यूब चैनल लर्न इजली YT और आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गूगल पे में एक नए लॉन्च हुए फीचर के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से कोई सा भी बिल पेमेंट आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल ही छोटा होने वाला है, वीडियो को किसी भी प्रकार से स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों हम वीडियो के 1/3 पार्ट में इस पेमेंट फीचर से जुड़ी एक ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाले हैं जिस जानकारी का अगर आप यूज करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस कभी भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उस जानकारी को देखने और समझने के लिए आप इस वीडियो को किसी प्रकार से स्किप ना करें। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर गूगल पे का यूजर इंटरफेस देख पा रहे हैं, अब दोस्तों सबसे पहले हम आपको गूगल पे में हमारा लिंक्ड हुआ क्रेडिट कार्ड दिखा देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम अपने आइकन पे क्लिक करते हैं। जब हम अपने आइकन पे क्लिक करते हैं तो अब हमें यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पर अपना लिंक्ड बैंक अकाउंट के साथ साथ आप अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड भी देख पाते हैं। अब दोस्तों, इस क्रेडिट डेबिट कार्ड का यूज करके आपको कोई सा भी बिल पेमेंट कैसे कम्प्लीट करना है, आइए हम आपको इसका प्रोसेस बताते हैं। इससे पहले अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड गूगल पे अकाउंट में लिंक नहीं किया है तो आपको कैसे लिंक करना है, इस पर आधारित वीडियो का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वीडियो को देख करके आसानी से अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड को गूगल पे अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड गूगल पे अकाउंट में लिंक है तो आपको कोई सा भी बिल पेमेंट कम्प्लीट करने के लिए इस प्रकार का यूजर इंटरफेस पर आ जाना है। जब आप इस प्रकार के यूजर इंटरफेस पर आ जाते हैं तो अब आपको यहाँ पर पे बिल्स का ऑप्शन मिलता है। अब दोस्तों, इस ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि हम गूगल का अपडेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, इसलिए आप भी अपने ऐप को अपडेट कर लें ताकि हमारी जानकारी आपके ऐप से मैच करे और आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम इस वीडियो को समझने में फेस ना करना पड़े। अब दोस्तों, जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर गूगल पे में अवेलेबल सारे बिल पेमेंट्स शो होते हैं। अब दोस्तों, इसमें से आपको वो बिल पेमेंट सेलेक्ट करना है जिस बिल पेमेंट को आप कंप्लीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होता है। जब हम अपना मोबाइल नंबर इंटर करते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर अपना प्लान सेलेक्ट करना होता है। अब दोस्तों, जब हम अपना प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब अगर हमारा क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली शो नहीं हो रहा है तो हमको एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब हम एरो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। जब हम अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब हमें फाइनली पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब हम पे के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब हमारे क्रेडिट कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाता है, उस OTP को हमें यहाँ पर इंटर करना है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा OTP आ चुका है, हम OTP फिल कर देते हैं। अब दोस्तों, जब हम OTP इंटर कर देते हैं तो अब हमें एक बार अपने फ़ोन को अनलॉक करना होता है। जब हम फ़ोन को अनलॉक करते हैं तो अब हमें कुछ सेकेंड्स के लिए वेट करना है। कुछ सेकंड्स वेट करने के साथ ही आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारा पेमेंट कंफर्मेशन किया जा रहा है। अब फिर से कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है। कुछ सेकंड्स वेट करने के साथ ही आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब दोस्तों, फाइनली हमें डाउन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब हम डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारा ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अब दोस्तों, इस ट्रांजेक्शन का डिटेल्स देखने के लिए हमें यहां से बैक आना है। बैक आने के बाद जब हमें इस प्रकार का यूजर इंटरफेस मिलता है तो इस पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद हमें शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब हमें यहाँ पर ऊपर में हमारा ट्रांजेक्शन शो होता है। उस ट्रांजेक्शन पर क्लिक करने के बाद हम उस ट्रांजेक्शन का डिटेल्स देख पाते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने इस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट कार्ड के थ्रू कंप्लीट किया है। अब दोस्तों, जैसा कि वादे के मुताबिक हमने आपको बोला था कि वीडियो के 1/3 पार्ट में हम इस पेमेंट फीचर से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वो इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि आप इस पेमेंट फीचर का यूज करके केवल बिल पेमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का डायरेक्टली कोई मनी ट्रांसफ़र किसी व्यक्ति को नहीं कर सकते। अब दोस्तों, अगर आप बिल पेमेंट्स कंप्लीट करते हैं तो बिल पेमेंट्स कंप्लीट करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए एलिजिबल होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए एलिजिबल है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को गूगल पे अकाउंट में लिंक भी कर सकते हैं। उस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप कोई सा भी बिल पेमेंट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस पेमेंट फीचर का यूज करके मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, DTH केबल रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, गूगल प्ले रिचार्ज, गैस बुकिंग, ब्रॉडबैंक मोबाइल रिचार्ज, पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज
और भी कई तरीके के बिल पेमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको लाइव प्रूफ के द्वारा दिखाया कि कैसे आप गूगल पे में क्रेडिट कार्ड का यूज करते हुए कोई सा भी बिल पेमेंट आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, फ्रेंड्स में शेयर करिए, और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही टेक रिलेटेड जेन्यून कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए।